हेलो दोस्तों, विकराज रेलवे में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम का लगभग 40 दिन बच गए हैं और लोगों का मन में एक बुक लिस्ट को लेके बहुत ही डाउट रहता है, बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस बुक से पढ़ें। और अभी तक आपने अगर बुक मतलब नहीं सिलेक्ट किया है, अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है और एक साल से अगर बुक अभी तक नहीं सिलेक्ट किया है तो समझिए आपको फिर मुश्किल होने वाला है। हालांकि जिन्होंने बुक ले लिया है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, हालांकि अगर बुक नहीं भी है तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बुक से, जिस बुक से तैयारी कर रहे हैं उस बुक के थ्रू भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे, आप ये सारा बुक है समझिए, इतने सारे बुक है जो आपको एग्जाम में काम आ सकते हैं, तो वो सारे बुक मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में आपको ये पूरा बुक दिखाने वाला खोल कर मैं कैसे तैयारी करता हूँ, तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अभी आपको साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर का साइंस पूछे जाते हैं, मैथ भी 25 नंबर के पूछे जाते हैं, और आपको रीजनिंग 30 नंबर का मतलब 30 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है। अगर ये तीनों पोर्सन आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और लास्ट में जीके आ जाते हैं, जीके और करंट अफेयर मिला के 20 नंबर का पूछे जाते हैं। इस पर हालांकि मैंने एक स्पेशल अलग वीडियो बना दिया है, यहाँ पर ये वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, तो वहाँ से इसको देख सकते हैं। सारे सिलेबस मैंने डिस्कस किया है। और सबसे पहले देखिए, मैं आप साइंस के लिए बताता हूँ कि साइंस के लिए कौन सी बुक बढ़िया रहेगी। साइंस के लिए दोस्तों मेरे पास तीन बुक अलग अलग मैंने रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। ये सबसे पहले देखिए, आपको ये फिजिक्स की बुक है, ये खान सर की बुक है जो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसमें आपको न्यूमेरिकल का साथ दिया गया है तो वो आप पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री की बुक है, ये बुक भी है जिसमें न्यूमेरिकल का साथ दिया गया है। और उसके अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजी की बुक है, ये तीनों बुक खान सर की आती है, आप ऑनलाइन भी इसको शॉपिंग कर सकते हैं। इस बुक को मैंने डिटेल एनालिसिस किया है, डिटेल रिव्यू मैंने दिया है कि इस बुक में क्या क्या दिया गया है, तो ये वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे इसको डिटेल रिव्यू दिया है। आप वहाँ से देख लीजिए कि इस बुक में क्या क्या दिया गया है। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास, आपके पास ये बुक जरूर होगा, तो आप इस बुक को सिर्फ रिविजन करना शुरू कीजिए। आप खासकर देखिए क्या है कि जो टॉपिक से प्रॉब्लम हो रहा है उस टॉपिक को, उस चैप्टर को आप थोड़ा सा रिविजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, उसको हाईलाइट से हाईलाइट कर दीजिए, इस तरीके से करके आप उसको पढ़ सकते हैं। लास्ट में उसको क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसको पढ़ लीजिए। खासकर न्यूमेरिकल को भी ज़्यादा फोकस कीजिए, 7-8 नंबर का न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो भी ज़्यादा बेनिफिट है। प्रीवियस ईयर को देखिए कि उसमें किस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से, जैसे फोर्स जो होते हैं, फोर्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तरंग के चैप्टर है, उससे भी आपको कुछ पूछे जा सकते हैं, तो उस तरीके से आप न्यूमेरिकल पढ़ के वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं मैथ की। मैथ के लिए क्या है दोस्तों, मेरे पास मैथ की एक ये बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी मोटी बुक है ये रेलवे का, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये भी किरण पब्लिकेशन की बुक है। फुली ये क्या है कि सॉल्व पेपर है, इसमें आपको टोटल मतलब सॉल्व पेपर दिया गया, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ चुके हैं रेलवे में, ओनली इसमें यही दिया गया, अलग से कोई भी क्वेश्चन सेट नहीं किया गया। इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इस बुक को मैंने पूरा ओपन करके दिखाया है कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और आप ऑलरेडी इस बुक को रखे हुए हैं तो आप इससे जिस चैप्टर से आपको प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए टेस्ट वगैरह आप लगाते हैं तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होता होगा, इस चैप्टर से मान लीजिए परसेंटेज पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप उसको इस बुक से जरूर रिविजन कीजिए। मैं हालांकि हमेशा यही बोलता हूँ कि किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आप ये बुक को रख सकते हैं, मैं इस बुक को जरूर रेफर करूँगा, काफ़ी बढ़िया बुक है। इसमें इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सिर्फ मतलब क्या है कि पुराने मतलब जितने एग्जाम हो चुके हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं, तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, आप रिवीजन कर सकते हैं ताकि पता चले कि रेलवे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में, तो रेलवे किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हर चैप्टर के इसमें दिए गए, एक भी चैप्टर इसमें नहीं छूटेगा आपको, तो सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों, इसके साथ में एक मॉक टेस्ट की, ये रेलवे ग्रुप डी का जो मॉक टेस्ट है ये आप लगा सकते हैं। ये क्या है कि ये भी किरण पब्लिकेशन की, ये खान सर की बुक है, इसमें आपको 25 टेस्ट दिए गए हैं, मॉक टेस्ट, आप इसको लगा के अपने आप को देख सकते हैं। न्यू पैटर्न पे आधारित है ये कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसी तरीके का ये बुक बनाया गया है, तो इसको आप ये पढ़ सकते हैं, इस टेस्ट को आप बनाइए और देखिए कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर जीके की बात, तो जीके के लिए मतलब एक सार संग्रह भी बुक है, जो जियोग्राफी के आपके लिए कमजोर है तो जियोग्राफी के लिए ये बुक ले सकते हैं। यहाँ पर भूगोल है, सार संग्रह है, जो विश्व और भारत के दोनों भूगोल दिए गए, तो ये सब बुक बहुत ही बेहतरीन है। इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं कि बुक में कैसी कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें दिए गए, किस चैप्टर से दिए गए ज़्यादा, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं वीडियो को। तो आपके पास ऑलरेडी ये बुक अब पड़ा हुआ है, तो आप इसको सिर्फ रिविजन करना है आपको। अभी दोस्तों 40 डेज बच गए हैं एग्जाम के, तो अगर आप अभी से भी अगर इस बुक को लेके आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, तो आप जरूर इसे सिलेक्शन पा सकते हैं। हालांकि जिसके पास बुक है उनको सिर्फ रिवीजन करता है करते रहना है, ताकि वो बुक तो ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं और पढ़ भी रहे होंगे, तो आपको सिर्फ रिवीजन करते रहना है, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहना है। और बच गया क्लास में रीजनिंग, रीजनिंग के लिए एक बेहतरीन बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए दोस्तों ये बुक बहुत ही बेहतरीन है, आप ये किरण पब्लिकेशन की ही बुक है, ये रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए आपको ये काम आ जाएंगे, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको देखिए 85
हंड्रेड से मतलब 8500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे सॉल्व पेपर भी आपको मिलेंगे। लगभग इसमें लगभग सभी सॉल्व पेपर ही किए गए हैं, जो देखिए इतने सारे एग्जाम्स के सॉल्व पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे एग्जाम में जो रेलवे में पूछे गए हैं तो वो सारे को कलेक्शन किया गया, तो वो बुक को आप ले सकते हैं। हालांकि ये बुक आपके पास है तो आप इसको रिवीजन करते रहिए। और आपको रह गया साइंस के लिए, तो साइंस के लिए और भी कुछ बुक्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये बुक सब तो आपने देख लिया। ये देखिए साइंस के लिए आप न्यूमेरिकल के साथ अगर बुक लेना चाहते हैं तो 2300 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जो रेलवे ग्रुप डी और NTPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये ले सकते हैं, इसमें खासकर न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस किया गया है। और इसके अलावा एक और बुक है यहाँ पे, ये देखिए सामान्य विज्ञान के, इसमें थ्योरी और अभ्यास प्रश्न सहित दिए गए, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिया गया, एक्सरसाइज इसमें दिए गए हैं, ज्ञान स्तर का हो गया, समझ स्तर को है, विश्लेषण स्तर और आंकिक प्रश्न के साथ है, मतलब ये चार लेवल इसमें दिए गए हैं। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये राहुल चंद्र है इसके राइटर हैं, इन्होंने बुक को लिखा है, तो आप यहाँ से ये भी कोई भी पढ़ सकते हैं, ये बुक भी काफ़ी बेहतरीन है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मैं स्पेशल ये मतलब प्रमोशन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक को पढ़ा है, पढ़ने के बाद मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं बताता हूँ। ये काफ़ी मुझे बढ़िया लगा और इसको बुक का मैंने बनाया है, मैथ को भी मैंने पढ़ा है और इन्होंने उनका प्रैक्टिस सेट भी मैंने लगाया है और साथ में मैंने इनका जो साइंस का है वो भी मैंने पढ़ा, जो मुझे अभी BSSC का एग्जाम है मेरा, बिहार के किसी भी एग्जाम में मेरा वो काम आराम से आ जाएगा। तो मैंने बुक को पढ़ा था, आप उसको ले सकते हैं। और किरण पब्लिकेशन के बुक जो लड़के लिए हुए हैं तो वो वहाँ से देखते होंगे, उनको पता होगा कि किस तरीके के पूछे जाते हैं। मैं भी जब तैयारी करता था तो किरण पब्लिकेशन के अधिकतर सेट्स मैं लेता था, SSC की तैयारी करता था तो मैं लेता था, तो आप उसको ले सकते हैं। हालाँकि ये बहुत ही बढ़िया बुक आता है इनका, तो आप वहाँ से उसको अगर ले कर चेक कर सकते हैं, आपके नज़दीकी बुक शॉप में ये बुक मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दिया हूँ, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। क्योंकि आपको दोस्तों जो पढ़ना है आपको 40 दिन में ही पढ़ना है। अब 2 साल आपके पास नहीं, समझिए 2 साल आपके 40 दिन के बराबर हो गए हैं, तो आपको 40 दिन में ही मेहनत करना है। आपके पास समय बहुत ही कम है, तो आपको इसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाते रहना है और साइंस पे और मैथ और रीजनिंग पे, ये तीनों पे ज़्यादा फोकस करें। रीजनिंग तो आपको मान लीजिए आप बहुत लोगों का ठीक होता है, तो साइंस और मैथ में थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं, तो साइंस और मैथ पे ज़्यादा फोकस करें। यही दो सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों जहाँ से आप स्कोर करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं भी जब पढ़ता था तो उस समय मैं साइंस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे उस समय उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि उस समय मुझे सिलेबस के बारे में मैंने देखा था लेकिन मैं सिलेबस को इतने ध्यान से नहीं देखा था, जिसके वजह से मैं साइंस कम पढ़ता था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स थोड़े से कम आ गए। लेकिन दोस्तों समय के साथ आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इस बार सिलेबस को मैंने अच्छे से अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि इसमें साइंस सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। साइंस है, मैथ है और रीजनिंग है, इस तीनों पर फोकस करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। उस समय मैंने GK पर ज़्यादा फोकस कर दिया था। आप भी इन सब सब्जेक्ट पे सिलेबस पे ध्यान देकर पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। समय आपके पास दोस्तों बहुत ही कम बच गया है, तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कीजिए। 40 दिन आपके पास अभी भी है और एग्ज़ाम डेट आपके जब आएगा तो हो सकता है अगस्त में नहीं आपका सितंबर में एग्ज़ाम हो जाए, तो आपको और एक्स्ट्रा दिन बचेगा, तो आपको काउंटडाउन में जब बनाया है उसमें आपको थोड़ा सा ऐड कर देना है। उस काउंटडाउन में थोड़ा सा ऐड करेंगे तो आपके दिन और एक महीना दिन आपके और बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप जैसे कोई एडमिट कार्ड जब तक नहीं आ जाता है, एग्ज़ाम डेट आपका नहीं सिलेक्ट हो जाता है, तब तक आपको समझिए आपके पास टाइम अभी है। लेकिन समझिए आपका अभी तक 40 दिन ही है, हो सकता है आपका एग्ज़ाम 17 अगस्त को ही दे दे, 18 अगस्त को दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे पास अभी 2 महीना बचा हुआ है या 3 महीना बचा हुआ है, आपके पास मात्र 40 दिन ही बचे, तो आपको 40 दिन में ही तैयारी करना है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सिलेक्शन आपका जरूर हो जाएगा, घबराइए नहीं। टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट में कम मार्क्स आता है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में थोड़ा इसका लेवल जो होते हैं थोड़ा ईजी पूछे जाते हैं, मॉक टेस्ट में थोड़ा सा लेवल हाई रहते हैं, ताकि आपको और तैयारी करने पर वो मजबूर करें कि आप और अच्छे से तैयारी करें। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आप सिर्फ तैयारी कीजिए, जैसे पढ़ते रहिए पॉजिटिव वे में और हमेशा 100% देने की कोशिश कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऐसे ही कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।